तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ पानीपत में। पानीपत में कहाँ पे हूँ देख सकते हैं आप, सोनीपत फ्रूट चाट भंडार पर, और मेरे हाथ में है फ्रूट चाट। लेकिन फ्रूट चाट तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज मैं खाने वाला हूँ शकरकंदी वाली चुस्की। जी हाँ, बर्फ़ के गोले वाली चुस्की आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन शकरकंदी वाली चुस्की ना आपने सुनी होगी, ना देखी होगी और ना खाई होगी। लेकिन मैं आपको आज खिलाऊंगा भैया शकरकंदी की चुस्की। तो देर किस बात की, चलिए पहले देखते हैं शकरकंदी की चुस्की बनती कैसे है, फिर बात करवाऊंगा इसके निर्माता निर्देशक से कि उन्होंने कैसे ये ईजाद करी और कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया। चलिए दोस्तों, गर्मा गर्म शकरकंदी है ये जो फ्राई हो रही है, आहा, आलू चाट के साथ ये शकरकंदी है जिसकी हम आपको दिखाने वाले हैं अभी चुस्की। जी हाँ, शकरकंदी चुस्की आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन हम हैं इस वक्त जहाँ पर वहाँ की शकरकंदी चुस्की बड़ी फेमस है। हम हैं सोनीपत फ्रूट चाट भंडार पर और यहाँ की भैया चुस्की, शकरकंदी वाली चुस्की बड़ी फेमस है। भैया तैयार करके अभी दिखाएंगे कैसी होती है शकरकंदी वाली चुस्की। ये देखिए, ये डाली शकरकंदी इन्होंने, और ये डाला इन्होंने काला नमक, और ये है इनका खास तरह का मसाला, और भाई अब डलेगा नींबू। वाह भाई वाह, मुंह में पानी आ गया। एकदम खट्टी खट्टी शकरकंदी की चुस्की अभी आप देख रहे हैं अपने मोबाइल पर। ये डाली इन्होंने हरी चटनी, और ये बारी आई अब इनकी लाल चटनी की। ये देखिए, और इसको ठीक उसी तरह से खाएंगे जैसे काला खट्टा हम चुस्की खाते हैं। ये डाली इन्होंने इसमें चम्मच, और ये हो गई तैयार शकरकंदी की चुस्की। भाई खट्टा मीठा टेस्ट है, और भाई ये तो आइसक्रीम जैसी लग रही है, थोड़ी गर्म है। अल्टीमेट टेस्ट है। इससे पहले मैंने इस तरह की चुस्की कभी नहीं खाई। आपने बर्फ़ के गोले वाली चुस्की ज़रूर खाई होगी, लेकिन भाई इसका मज़ा ही अलग है। तो अगर आप चुस्की खाना चाहते हैं शकरकंदी की, तो एक बार पानीपत में सोनीपत चाट भंडार पे ज़रूर आएँ। पानीपत के आसपास हैं या पानीपत में आए हुए किसी काम से तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इसकी इसका प्राइस है भैया 40 रुपये की दो शकरकंदी की चुस्की। तो दोस्तों अब चलते हैं इस चुस्की के निर्माता निर्देशक के पास जिन्होंने ये चुस्की तैयार की। भैया कहाँ से आइडिया आया ये चुस्की का? कहाँ से है, बस बैठे बैठे मूड बन गया। बैठे बैठे मूड बन गया और नया आइटम बना दिया शकरकंदी चुस्की वाली। भैया मज़ा आ गया, मैंने खा के देखी और ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। कब से है आपकी शॉप? ये 97 से 95 जी है। और सोनीपत नाम की रुका, सोनीपत चाट भंडार। हम रहने वाले सोनीपत से। रहने वाले सोनीपत। और क्या क्या आइटम है आपके पास? अपना फ्रूट चाट है, रबड़ी ब्लू है, उसका शकरकंदी चुस्की हो ही गई, और एक ड्राई फ्रूट चाट बनाते हैं ओनली मैरिज वगैरह में, दुकान पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आलू। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। बाय बाय।